मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पर हमने लिवियो और अन्य मछलियों के बारे में पढ़ा। आज इस टर्म पर हम एंग्विला, क्लेरियास और हिप्पोकैम्पस यानी इससे आगे की जो बोनी फिश हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं एंग्विला। एंग्विला जिसे सामान्यतया ईल भी कहा जाता है, ईल मछली। एंग्विला का क्लासिफिकेशन इस प्रकार है, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिविजन डेथोस्टोमेटा, सुपर क्लास स्पीसीज। इनका डिस्क्रिप्शन मैं पहले बता चुका हूँ। स्पीसीज इसलिए कि ट्रू फिश होती हैं, क्लास ऑस्टिकथीस क्योंकि इन फिशों में बोनी एंडोस्केलेटन होता है, ऑर्डर टीलियोस्टियाई, एंग्विला ऑर्डर एंगुलिफॉर्मिस और सब ऑर्डर एंगुलिफॉर्मिस, और फैमिली इसकी म्यूरेनिडी और जीनस इसका एंगुला रोस्ट्राटा, जिसे कॉमनली ईल के नाम से जाना जाता है। ये ईल पतली लंबी बिल्कुल सर्क के समान होती है और इसमें जो पेक्टोरल फिन है वो इस प्रकार से, ये आगे की तरफ ये पेक्टोरल फिन है इसके, ये बिल्कुल इसका सांप का समूह एकदम टर्मिनल एंड पर और सेमी सर्कुलर मुंह होता है इसका। एक कंटिन्यूस डॉर्सल फिन फोल्ड और वेंट्रल फिन फोल्ड दोनों कंटिन्यूस मिल जाते हैं और कॉडल फिन में इससे मिक्स हो जाते हैं। तो कॉडल और वेंट्रल और डॉर्सल ये तीनों फिन मिल करके कंटिन्यूस फिन फोल्ड बनाते हैं। इसमें बिल्कुल पतली लंबी सांप के समान इनकी संरचना होती है। इनकी लाइफ साइकिल पर अगर नजर डालें तो इनकी लाइफ साइकिल जो है वो नदियों से शुरू होकर के समुद्र में खत्म होती है, यानी या समुद्र से शुरू होकर के नदियों में तक चलती है, यानी समुद्र और नदियों में इनमें बीच में कैटाड्रोमस माइग्रेशन जिसे समुद्राभिगामी गमन कहा जाता है, वो पाया जाता है, प्रवास पाया जाता है। ये ज्यादातर अपना जो लाइफ का हिस्सा है वो नदियों में व्यतीत करती हैं, लेकिन अंडे देने के लिए समुद्र में आती हैं। ये इनके अंडे हैं, ये समुद्र में दिए जाते हैं और समुद्र में देने के बाद में इसमें योक्सेक प्लेसेंटा पाया जाता है और उससे इनके लार्वा निकलते हैं और वो लार्वा लेप्टोसेफेलस नाम से जाने जाते हैं। लेप्टोसेफेलस लार्वा ये समुद्र में व्यतीत करते हैं और फिर उसके बाद में इनसे ग्लास ईल निकलती है। ग्लास ईल जो है वो एडल्ट ईल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और येलो ईल से कन्वर्ट होकर के फिर वापस वो समुद्र में चली जाती है, उसमें सॉरी नदियों में चली जाती है और नदियों में अपना जीवन व्यतीत करती है। उसके बाद जब प्रजनन इनका ब्रीडिंग पीरियड होता है तो उस समय फिर ये वापस समुद्र में आती हैं अंडे देने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, शरीर इनका लंबा होता है, बेलनाकार होता है और छोटे गिल छिद्र युक्त होता है। भारत में एंगुला बेंगलाइंसिस नामक ईल पाई जाती है जिसे यूरोपियन ईल से मिलती जुलती है। ये बिल्कुल सांप की तरह दिखती है, एकदम पतली लंबी, एकदम सांप की तरह चलती है। ये शाकाहारी होती है, तलवासी मछली होती है जो अपने भोजन में शैवाल और अन्य जलीय पौधों का इस्तेमाल करती है। ये पूर्ण वृद्धि पर लगभग 1.5 मीटर लंबी या 2.5 किलोग्राम वजन की, यानी 2.5 किलोग्राम वजन की हो जाती है। इसका जो शरीर है वो सिर, धड़ और पूंछ में विभक्त रहता है, तीन भागों में विभक्त होता है। इसकी संपूर्ण सतह पर अवशेषी यानी रूडिमेंट्री स्केल पाए जाते हैं, यानी पूर्णतया स्पष्ट स्केल नहीं होते, बस वो स्केल अवशेषी स्केल के रूप में इनके स्केल पाए जाते हैं। इनमें अंश फिन तो पाई जाती है लेकिन श्रोणि फिन नहीं पाए जाते, यानी जो पेक्टोरल फिन है वो तो पाए जाते हैं और आगे की तरफ वो होते हैं, लेकिन जो पेल्विक फिन है वो एबसेंट होते हैं, वो नहीं पाए जाते। ईल में 110 से लेकर के लगभग 120 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। इनके वर्टिब्रल कॉलम में इतनी कशेरुकाएं होती हैं। इनका निचला जबड़ा ऊपरी जबड़े से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इनका मुंह जो है वो इस प्रकार से हो जाता है, टर्मिनल एंड पर आगे की तरफ वो ऊपरी जबड़ा आगे की तरफ निकल जाता है। इनकी पृष्ठीय और गुदीय फिन पुश फिन के पास में होती है और वो आपस में मिलकर के एक कंटिन्यूस फिन फोल्ड बनाती है। ईल में प्रजनन के लिए समुद्राभिगामी यानी कैटाड्रोमस माइग्रेशन पाया जाता है। शीत ऋतु आने पर इनका रंग पीले रंग का सलेटी हो जाता है और भोजन करना बंद कर देती हैं, इससे इनकी पाचन नली सिकुड़ जाती है और उसके बाद में ये अंड जनन के लिए समुद्र में प्रवास करती हैं। जनन यानी इनके गोनाड्स जो हैं, ओवरी और टेस्टिस दोनों परिपक्व हो जाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं, प्रोथ यानी इनके जो स्नाउट है वो नुकीला हो जाता है, जो सेमी सर्किल था, सेमी चंद्रा अर्ध चंद्राकार था, वो नुकीला होता है, पॉइंटेड हो जाता है, और इनके होंठ जो हैं वो पतले हो जाते हैं। अब ये समुद्र में उतरती हैं और लगभग 4,500 किलोमीटर की यात्रा करती हैं। इतनी लंबी यात्रा इनमें कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं उसके लिए पाया जाता है। ये यूरोपियन ईल पश्चिम की ओर और अमेरिकन ईल पूर्व की ओर यात्रा करती हैं, यानी इस प्रकार से ये अपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग जो ईल हैं, अमेरिका वाली जो ईल है वो यूरोप की तरफ, यूरोप वाली अमेरिका की तरफ यात्रा करती हैं। गहरे समुद्र में अंडोत्सर्ग करती हैं, अंडजनन के पश्चात में नर और मादा दोनों मर जाते हैं।
क्योंकि वो भोजन करना तो बंद कर देते हैं और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद में, क्योंकि उनकी आहार नाल चिपक जाती है। अंडों में से कुछ समय पश्चात में छोटे और पारदर्शी पत्ती के समान पेलेजिक लार्वा निकलते हैं। इन लार्वाओं को लेप्टोसेफेली कहा जाता है। इनके भोजन के लिए सुई के समान तीखे दांत होते हैं। 2 या 3 साल बाद में 8 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं और पुनः नदियों में ये चढ़ जाते हैं। इस प्रकार से ईल के बारे में था। दूसरी है क्लेरियास पेट्रकस। क्लेरियास पेट्रकस जिसे मैगर कहते हैं, उसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार से है। फाइलम कॉर्डेटा है, सब फाइलम इसका वर्टिब्रेटा है, डिवीजन इसका एग्नाथोस्टोमेटा है, सुपर क्लास स्पीसीज है क्लास ऑस्टिक्थिस, ऑर्डर टिलियोस्टियाई और फैमिली इसकी साइप्रिनिफॉर्मिस। साइप्रिनिफॉर्मिस में फैमिली में वो मछलियां आती हैं जिनको कार्प कहा जाता है। कार्प मछलियां आती हैं, तो ये क्लेरियास भी एक कार्प है। उसके बाद जीनस इसका क्लेरियस और स्पीसीज वेट्रकस। तो वेट्रकस क्लेरियस वेट्रकस के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे हम सामान्यतया मेगर के नाम से जाना जाता है, मेगर के नाम से कॉमनली। इसमें ये कैटफिश है एक्चुअली, तो इसमें वार्फ पाए जाते हैं आगे की तरफ। इनमें इसमें भी एक लंबी कंटिन्यूस डोर्सल फिन फोल्ड पाया जाता है। डोर्सल फिन एक लंबी होती है डोर्सल फिन, और इसका ट्रंक और ये लेटर लाइन सिस्टम पाया जाता है इसके अंदर। और इसका जो स्नूट रीजन है वो हेड है, उस पर कठोर शल्क पाए जाते हैं। पेक्टोरल वेल्विक और एनल फिन ये पाई जाती हैं, और ये कॉडल फिन इसकी होमोसर्कल टाइप है, जो प्रोटोसर्कल टाइप जो है कॉडल फिन पाई जाती है। टेल रीजन में पाया जाता है, पूरा शरीर इसका वही 3 भागों में विभक्त, और इसमें गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स के ऊपर ऊपर किलोम भी पाया जाता है। ये अधिकतर उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश हैं, जैसे कि जहां पर गर्मी पड़ती है, ट्रॉपिकल एरियाज जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बर्मा है, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आदि, इनमें ये क्लेरियास पाई जाती है। ये शाकाहारी है और खुले जल में रहने वाली मछली होती है। ये अपने भोजन में शैवाल और अन्य जलीय पौधों को ग्रहण करती है। ये पूर्ण वृद्धि पर 8 से लेकर के 47 सेंटीमीटर लंबी और लगभग 1.5 किलोग्राम में 1.5 किलोग्राम वजन की हो जाती है। इनके नर और मादा में काफी अंतर होता है। नर का वेली चौड़ा होता है और मादा का पृष्ठीय फिन एक पर एक स्पॉट पाया जाता है जो मादा में नहीं होता, तो उसके आधार पर नर और मादा को पहचाना जा सकता है। इसकी संपूर्ण सतह पर ओवरलैपिंग करते हुए साइक्लोइड शल्क पाए जाते हैं। इन जो शल्क हैं वो साइक्लोइड प्रकार के होते हैं। इनमें पूरी लंबाई में पृष्ठीय फिन पाया जाता है, डोर्सल फिन पाया जाता है, जो पीछे की तरफ जो कॉडल फिन तक फैला रहता है। पुष्य गुदीय और अयुग्मित फिन जो है अंश और श्रोणी मेखला दोनों ही सारे ये फिन पाए जाते हैं। पेक्टोरल भी और पेल्विक भी दोनों प्रकार के फिन पाए जाते हैं। इनके मुख पर 4 जोड़ी बार्बल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनको कैटफिश कहा जाता है। यानी बार्बल्स हैं वो एकदम संवेदी टेक्टोरेसेप्टर ऑर्गन होते हैं, इनके संवेदी ऑर्गन होते हैं और वो छू करके चीजों को पहचानते हैं। इसकी कॉडल फिन होमोसर्कल टाइप होती है और डेंट्राइटिक एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं इसमें। ये अच्छी और पोषित मछली है क्योंकि इसको ज्यादातर खाने में काम में लिया जाता है। नर और मादा जो है ये जून से लेकर के अगस्त के मध्य में प्रजनन करती है। मिलन करने से पूर्व नर और मादा 2 दिन तक एक दूसरे के साथ रहते हैं, यानी कॉम्बिनेशन युग्म बनाते हैं, युग्म बनते हैं इनके, और युग्म बनने के बाद में साथ साथ तैरते रहते हैं, फिर उसके बाद में बिल बना करके उसमें अंड जनन करती है मादा। मादा एक बार में लगभग 7,000 से लेकर के 9,000 अंडे देती है, जो हैचिंग के बाद में स्वतंत्र हो जाते हैं और उनमें से फिर वो लार्वा निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से था क्लेरियास के बारे में। अब उसके बाद में तीसरी है हिप्पोकैम्पस, जिसे समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है। हिप्पोकैम्पस का क्लासिफिकेशन भी उसी प्रकार से है, ठीक। फाइलम इसका कॉर्डेटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, और डिवीजन इसका मेथोस्टोमेटा है, सुपर क्लास स्पीसीज है क्लास ऑस्टिक्थिस, सब क्लास एक्टिनोप्टेरिजी, ऑर्डर सिनग्नेथिफॉर्मिस, यानी सिनग्नेथस के जैसे हैं इसलिए ये सिनग्नेथिफॉर्मिस है। फैमिली इनकी सिनग्नेथिडी, उसी फैमिली में आते हैं, सिनग्नेथस की फैमिली में आते हैं ये। इनका जीनस है हिप्पोकैम्पस और इसको सामान्यतया सी हॉर्स या समुद्री घोड़ा के नाम से जाना जाता है। भारत की नदियों में पाई जाने वाला ये स्वच्छ जलीय अस्थिल मछली है, ये घोड़ा नहीं है, ये मछली होती है, ट्रू फिश होती है, वास्तविक मछली होती है, और ये सर्वाधिक चाप से खाई जाने वाली मछली है। और इसमें उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है, हिंद महासागर में ये खूब पाया जाता है। और इसके बाद में ये समुद्री घोड़ा है, जैसे कि इसको इसमें इसका ये ब्रूड पाउच, इसमें एक खास बात ये होती है कि मेल के अंदर ब्रूड पाउच पाया जाता है, यानी जो गर्भाशय है वो मेल में पाया जाता है, नर के अंदर पाया जाता है, मादा में नहीं पाया जाता। मादा अपने अंडों को, फर्टिलाइज्ड एग को इसके मेल के गर्भाशय में
प्रतिस्थापित कर देती है और फिर वहां से वो स्वतंत्र हो जाती है, और नर उनको लिए लिए घूमता रहता है जब तक कि उनमें से बच्चे बाहर नहीं निकल आते, तब तक उनको लेकर के घूमता है, और ये पानी में खड़ा तैरता है इस प्रकार से, ऐसे ही मछलियों की तरह नहीं तैरता, ये खड़ा तैरता है इसलिए, और इसका जो स्नाउट रीजन है बिल्कुल घोड़े की तरह होता है, इसलिए इसको समुद्री घोड़ा नाम दिया गया इसका। उसके बाद में ये समुद्री घोड़ा, जब जैसे ये एक नर है इसमें, इस वीडियो के अंदर ये नर अपने अंदर से, अपने ब्रूड पाउच के अंदर से, और जो बच्चे हैं उनको बाहर निकाल रहा है। हैचिंग के बाद में बच्चों बच्चों में से ये लार्वा जैसे, या छोटे जो सी हॉर्स हैं वो इसमें से निकलते हैं। तो इस प्रकार से ये एक दुनिया का एक ऐसा मनुष्य, ऐसा नर है जो बच्चे देता है, इसलिए ओनली द वन मैन हु गिव बर्थ शॉर्टली आफ्टर द गिविंग बर्थ, और उसके बाद में वो वहां से छोड़कर चला जाता है। ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो अपने ग्रो करके और धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। तो इनमें ये एक जो क्वालिटी है कि भाई जो नर है वो इस प्रकार से मतलब काम करता है, कि मादा का काम करता है, इनका सिर बड़ा होता है, शरीर से समकोण पर जुड़ा होता है, पूर्ण वृद्धि करने के बाद में ये 5 से लेकर के 20 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। इसका प्रोफ यानी स्नाउट रीजन है वो लंबे घोड़े के समान होता है, इसीलिए इसको समुद्री घोड़ा कहा जाता है। इसकी संपूर्ण सतह पर बोनी आर्मर्ड प्लेट पाई जाती है। आर्मर्ड प्लेट यानी इस प्रकार से जैसे कि कछुआ या मगरमच्छ के ऊपर पाई जाती है, आर्मर्ड प्लेट इस प्रकार की संरचना इसके ऊपर पाई जाती है। इसमें केवल डोर्सल पेक्टोरल फिन पाई जाती है, पुष्य और गुदीय अधरी फिन इसमें नहीं पाए जाते। इसका जो पेक्टोरल फिन है वो ऊपर कुलम के ठीक पीछे की तरफ होता है, और इसी की सहायता से ये मूवमेंट करता है। मुंह जो है इसका दंत विहीन होता है और चूषकीय प्रकार का होता है। समुद्री घोड़े की जो पूंछ है वो आगे की तरफ प्रीहेंसाइल प्रकार की होती है, इसकी सहायता से ये जो पतवार की तरह इसको जैसे चिपक करके काम चलाता है। गिल्स इसके छोटे गोलाकार पालियानुमा होते हैं, ऐसे गिल्स को लोफोब्रैंक गिल कहा जाता है। ओपरकुलम जो गिल को ढकने वाला जो गिल कवर है वो बड़ा होता है और प्लेट के समान संरचना बनाता है। मांसपेशियां इसकी कमजोर होती हैं, फीबली डेवलप्ड होती हैं, अपने पृष्ठी फिन की सहायता से ही खड़ा तैरता है। इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, जैसा कि मैंने अभी बताया नर और मादा अलग अलग होते हैं, लेकिन बच्चे नर देने का काम करता है, बच्चे देने का काम नर करता है, यानी नर में भ्रूण कोष पाया जाता है, मादा में निषेचित अंडों को नर के भ्रूण कोष में प्रतिस्थापित कर देती है, और नर इनको लिए लिए घूमता है जब तक कि इसमें से बच्चे नहीं निकल आते। तो दिस इज ऑल अबाउट थ्री ऑल दीज थ्री बोनिफिसेस। थैंक यू वेरी मच।